बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गांव गांव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, कृषि दर्शन के इस अंक में मैं शशिकला स्वागत करती हूं आप सभी किसान भाई बहनों का। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं, हम हर बार आपके लिए कुछ नया लेकर आते हैं। आज भी बहुत सारी ऐसी जानकारी लेकर आए हैं जो आपके लिए लाभकारी है। वो कहते हैं ना कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासी के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मज़ा भी आएगा। जी हाँ, हमारे किसान भाई अगर चाहे तो बंजर धरती में भी हरियाली ला सकते हैं। तो किसान भाइयों, कृषि जगत से जुड़ी तमाम खबरों के लिए चलिए सबसे पहले चलते हैं कृषि समाचार की। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूँ अंशुशिखा लकड़ा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। मशरूम की खेती आर्द्रता और तापमान के अनुसार करें। आम के बाग में पौधों के उम्र के अनुसार डाले खाद। कद्दू की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद में लगाए पूसा नवीन। अब समाचार विस्तार से। मशरूम की खेती के लिए आर्द्रता और तापमान का ध्यान रखना जरूरी है। यदि 9 से 18 डिग्री तापमान है तो बटन मशरूम और 18 से 20 डिग्री तापमान है तो ओएस्टर मशरूम की खेती करें। साथ ही 75 से 80% नमी को बनाए रखना जरूरी है। राज्य के जो किसान फलदार फसल आम का नया बाग लगाए हैं, वे पौधों के उम्र के अनुसार उसमें खाद डालें। इसमें पौधों को प्रथम वर्ष से लेकर 10वें वर्ष तक उर्वरकों की बढ़ोतरी करें। 10वें वर्ष के बाद खाद की मात्रा स्थिर हो जाएगी। किसान भाई, यदि आप सब्जी फसलों की खेती करने जा रहे हैं तो बीज को सीधे गड्ढे में डाल सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि पौधे को नर्सरी में तैयार करें। पौधे तैयार करने के लिए ट्रे में कोकोपीट ले और बीज को उसमें डालें। 21 दिनों के बाद पौधा तैयार हो जाएगा। पौधे को तैयार करने के लिए नर्सरी का इस्तेमाल करें। नर्सरी में तैयार किया गया पौधा तंदुरुस्त होता है, साथ ही देखरेख में भी सुविधा होती है और लागत भी कम आती है। किसान भाइयों, हम दोनों विधि से लगाते हैं। गड्ढा में भी बीज डाल देते हैं और 3-4 बीज एक साथ एक गड्ढा में डाले और फिर हम उसकी देखरेख कर रहे हैं। हम अब कहते हैं कि किसान भाइयों, जो बीज जो आप जो सीडलिंग तैयार होगा, पौधा जो तैयार होगा, वो आप नर्सरी में लगाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। कोकोपीट वगैरह का ट्रे आता है, उसमें उस ट्रे में ठीक से लगाएं और वो ट्रे करके को खेत में ले जाएं और खेत से जब रोपाई करना हो, करीब 21 दिन में तैयार हो जाता है पौधा सीडलिंग रोपाई के लिए, तो रोपाई करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। इससे आपकी लागत कम होगी और देखरेख में भी सुविधा होगी और पौधे भी तंदुरुस्त रहेंगे। कद्दू की खेती से अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए 4 से 6 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगाएं। कतार से कतार की दूरी 2.5 मीटर और बीज से बीज की दूरी 3 मीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद में पूसा नवीन और अर्का बहार लगाएं। कद्दू की खेती के लिए बलुई दोमट से लेकर मट्टीदार दोमट मिट्टी उपयुक्त है। बुआई के समय खाद और उर्वरक में गोबर खाद 200 से 250 क्विंटल, नेत्रजन 90 किलोग्राम, स्फूर 45 किलोग्राम और पोटाश 45 किलोग्राम डालें। ध्यान रहे, खेत में प्रति थाला 3 से 5 पुष्ट बीज सीधे बोएं, साथ ही 5 से 7 दिनों पर सिंचाई करते रहें। किसान भाई, टार जमीन में फसल की निकौनी के लिए पेघो नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 18 से 20 डिसमिल प्रतिदिन है। आज की विशेष जानकारी है बैगन फसल में बंधक कीट और फल छेदक कीट के नियंत्रण के बारे में। बैगन फसल में शूट यानी बंधक कीट और फल छेदक कीट के नियंत्रण के लिए अंडा परजीवी ट्राइकोडर्मा किलोनिस 1 से 1.5 लाख प्रति एकड़ की दर से व्यवहार करें। एक एक सप्ताह के अंतराल पर 4 से 5 बार उपयोग करें। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए।
रांची का अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 7 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 7 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। हमारे झारखंड में तरबूजा और खरबूजा की खेती की जाती है। हमारे किसान भाई ये खेती करके बहुत ही लाभ कमा रहे हैं, लेकिन तरबूजा की खेती करने के लिए सबसे पहले प्रभेद का चुनाव ज़रूर कर ले। जी हाँ, अगर हमारे किसान भाई तरबूजा की खेती करना चाहते हैं तो हमारे किसान भाई ज़रूर करें, क्योंकि तरबूजा की खेती हमारे किसान भाइयों को बहुत ही लाभ दिला सकती है। तरबूजा खरबूजा की खेती करने के लिए हमारे किसान भाई क्या करें, जानने के लिए आइए देखते हैं ये फीचर। किसान भाइयों, गर्मी के मौसम में शरीर को तरावट प्रदान करने वाले फल तरबूज और खरबूज की मांग बढ़ जाती है। इनमें 92% पानी, 0.2% प्रोटीन, 0.3% खनिज और प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तरबूज और खरबूज की खासियत है कि इनकी खेती में अन्य फसलों के बनिस्पत काफ़ी कम खाद और पानी की ज़रूरत होती है। देखिए, तरबूजा खरबूजा हो या किसी भी प्रकार की सब्जी या कोई भी फसल हो, उसके लिए खेत की तैयारी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इसी क्रम में हमको क्या करना होता है, पहले 3-4 जुताई हमें गहरी जुताई करनी होती है। हमें ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी जब भी हमें मौका मिले साल में एक बार गर्मी की जुताई ज़रूर करें। उससे क्या होता है, हमारे कीड़े मकोड़े रोग बीमारी के जो कारक होते हैं वो ज़मीन के अंदर वो धूप लगने से अच्छे से वो मर जाते हैं। और जब भी हम खेत की तैयारी करते हैं तो हम गहरी जुताई करने के बाद उसको अच्छे से पाटा लगा के समतल कर लें। उसी दौरान क्या होता है, हमारा खेत की जुताई के समय जब अंतिम जुताई हम कर रहे होते हैं तो हमको 250 से 300 कुंटल यानी हमको 25 से 30 टन गोबर की खाद अच्छे से सड़ी प्रकार से, गोबर की खाद कभी हमको कच्ची नहीं डालनी है, अच्छी प्रकार से सड़ी गोबर की खाद हमको खेत में मिला देनी होती है। जिससे क्या होता है कि हमारा जो पौधे को हमको खाद एवं उर्वरक के माध्यम से जो पोषण प्रदान करता होता है उसका एक महत्वपूर्ण भाग इसकी गोबर की खाद के माध्यम से हमारी पूर्ति हो जाती है। तरबूज और खरबूज की बीज बुआई के दो तरीके हैं। एक है सीधे खेत में बीज बोना और दूसरा है पौधशाला में बिछड़ा तैयार करना। इसमें पहली विधि ज्यादा प्रचलित है। बेहतर अंकुरण के लिए बीज को पानी में भिंगो लें बुआई से पहले, उसके बाद उसे टाइकोडर्मा या बेविस्टिन से उपचारित कर लें। बीज थाला बनाकर कतारों में अनुशंसित दूरी में बोएं। अगर हम खरबूजे या तरबूज की खेती की बात करते हैं तो इसका जो बीज होता है वो दो प्रकार से हम लगा सकते हैं। एक तो हम बीज की सीधी बुआई कर सकते हैं खेत में, दूसरा होता है कि हम नर्सरी तैयार करके और फिर उसके पौधे को खेतों में लगा सकते हैं। तो जो सामान्यतः प्रचलित विधि है वो प्रचलित विधि आपकी सीधी बुआई वाली है। उसमें क्या करना होता है कि जो हमारा तरबूजा और खरबूजा का जो बीज होता है उसमें खरबूजे के बीज का छिलका थोड़ा पतला होता है, परंतु जो तरबूज बीज का जो छिलका होता है थोड़ा मोटा होता है। तो इसीलिए क्या होता है कि इसका अच्छे प्रकार से जर्मिनेशन हो, इसका अंकुरण अच्छे प्रकार से हो, तो इसके लिए क्या होता है कि कम से कम 12 घंटे से 12 से 13 घंटे के लिए हमको तरबूज के बीज और खरबूजा के बीज कम से कम 4 से 5 घंटे पहले के लिए पानी में भिगो देना चाहिए। इससे क्या होता है, बीज नरम हो जाता है, उसका अंकुरण अच्छा होता है। इसके अलावा क्या करते हैं कि जब हम खेत की तैयारी के बाद जब हम मेड़ बना रहे हैं, इसको हम पंक्तियों में या थाले में बो सकते हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि तरबूज की खेती में हम 2.5 से 3 मीटर की दूरी पे कतारें बनाते हैं, थोड़ी ऊंची मेड़ बना देते हैं। और जब हम खरबूजे की खेती करते हैं तो उसके लिए हमको कम दूरी की आवश्यकता होती है, 1.5 से 2 मीटर की दूरी पे भी हम पंक्तियाँ बना सकते हैं और ऊंचे बेड बना के लगभग 60 सेंटीमीटर की दूरी पे हम बीजों की बुआई कर सकते हैं। हाँ, इसमें एक चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत यह है कि अगर आप किसी प्रमाणिक संस्था से या अच्छी सोर्स से आप बीज ले रहे हैं तो आपको बीजोपचार करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आप अपना बीज इस्तेमाल कर रहे हैं या
बीजोपचार पहले से नहीं किया गया है तो ट्राइकोडर्मा 4-6 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से, या फिर अगर मार्केट में आपके पास बाविस्टीन अवेलेबल है तो बाविस्टीन या कार्बेंडाजिम भी जिसे कहते हैं, इसकी 2-3 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से इसको उपचारित करके ही बुआई करें। तरबूज और खरबूज का गुणवत्ता युक्त फलन हो और ज्यादा उत्पादन हो, इसके लिए उन्नत प्रभेदों के चयन पर ध्यान देना होगा। बाजार में सामान्य और संकर दोनों प्रकार के उन्नत प्रभेद उपलब्ध है। किसान अपनी इच्छा और सुविधा के अनुसार किसी का भी चयन कर सकते हैं। बस इतना ख्याल रखें कि बीज प्रमाणिक और विश्वसनीय दुकान या कृषि संस्थान का हो। देखिए, अगर तरबूजे की हम बात करते हैं तो अर्कामाणिक, जो कि हमारी मैंगलोर से विकसित वैरायटी है, अर्कामाणिक हो गया। अगर अर्का ज्योति है, जो कि संकर एक किस्म है, ये भी बेंगलोर से विकसित की गई है। शुगर बेबी एक वैरायटी है, एक दुर्गापुर मीठा है, ये सभी हमारी उन्नत प्रभेद हैं अगर हम तरबूज की खेती की बात करें तो। अगर हम खरबूज की खेती की बात करते हैं तो उसके लिए हमको पूसा मधुरस हुआ, काशी मीठा हुआ, काशी मधु हुआ, पूसा मधुरस हुआ, और एक पंजाब संकर वन वैरायटी है जो कि एक संकर किस्म है खरबूजे की। ये सभी उन्नत किस्मों का प्रयोग हमारे किसान भाई कर सकते हैं। तरबूज और खरबूज के बेहतर बढ़वार और बेहतर उत्पादन के लिए बेहतर उर्वरक प्रबंधन करें। खेत की अंतिम जुताई के समय 25 से 30 टन सड़ी हुई गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर के दर से खेत में डालें। अगर हम बात करते हैं उर्वरक प्रबंधन की, जैसा हमने पहले बताया है कि गोबर की खाद 250 से 300 कुंटल हमारी एक हेक्टेयर एरिया की दर से हमको मिलाना होगा अंतिम जुताई के समय। इसके अलावा 65 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से आवश्यकता होती है अगर एक अच्छी उपज सुनिश्चित करना चाहते हैं हमारा किसान भाई। तो हमें इसमें ये ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि हमारा जो फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा को और हमारी जो नाइट्रोजन है उसकी 1/3 मात्रा को खेत की जुताई के समय ही हमको उसमें मिला देना होता है। जो बची हुई मात्रा है इसकी, जो आपकी नाइट्रोजन की मात्रा है, उसकी 1/3 हिस्सा आपको बुआई के 25 दिन बाद और 1/3 बचा हुआ हिस्सा 45 दिन बाद हमें खेत में ऊपर से डालना होता है। ये ध्यान देने की ज़रूरत ये होती है कि इसमें इस दौरान खरपतवार किसी तरह से ना हो, और खरपतवार निकालने के लिए भी समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। किसान भाइयों, तरबूज और खरबूज कम समय में तैयार होने वाली फसलें हैं। गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए कम समय में कम खर्च में ज्यादा उत्पादन करके ज्यादा लाभ कमा सकते हैं। इसमें कृषि विशेषज्ञ द्वारा दी गई जानकारी एक सहयोगी, एक मार्गदर्शक की भूमिका अदा करेगी। हमारी दूसरी जानकारी है तसर कोषों का भंडारण। जी हाँ, अगर सही समय पे तसर कोषों का भंडारण हमारे किसान भाई नहीं करेंगे तो उन्हें नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। किसान भाइयों, तसर कोषों का भंडारण और सावधानी आप किस प्रकार करेंगे, जानने के लिए आइए देखते हैं ये फीचर। तसर बीज कोषों का भंडारण दो उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किया जाता है। एक उद्देश्य है नाप के कीट पालन के लिए तसर बीज कोषों का भंडारण। दूसरा उद्देश्य है व्यवसायिक तसर कीट पालन के लिए तसर बीज कोषों का भंडारण। सर्वप्रथम, तसर बीज कोषा क्या है? बीज कोषा दो बार आपके हाथ में आती है। एक जब द्वितीय फसल होता है, जिसमें कि दो तरह के दो रास्ते में फसल होते हैं, एक नाभिकीय कीट पालन से बनने वाले कोसा और एक व्यवसायिक कीट पालन से बनने वाला कोसा। व्यवसायिक कीट पालन तो कोसा चला जाता है व्यवसाय में, लेकिन नाभिकीय कीट पालन से जो कोसा उत्पन्न होता है उसका ही हम लोग बुनियादी बीज कोषों के रूप में भंडारण करते हैं। ये भंडारण की समय दिसंबर से लेकर अगले मई जून तक होती है, लंबा अवधि है। इसलिए केंद्रीय रेशम बोर्ड की तसर तकनीकी जो भी अनुसंधान हुई है उसमें बीजागार का व्यवस्था रखा गया है, जिसके बारे में मैं बताऊं कि एक ये विशेष रूप से निर्माण करने की डिज़ाइन है इसकी, जिसमें 40 लंबाई, 30 चौड़ाई, 12 फीट ऊंचाई, उसके ऊपर बीच में 15 फीट एवं दो अस्तर का दीवाल जो बीच में थोड़ा खाली जगह छोड़ा हुआ हो। ये सब चीज़ें इसलिए है कि एयर कंडीशनड वातावरण हो, अर्थात अंदर में जब, चूंकि ये जो तसर का कीड़ा है ये आपको तापक्रम से संवेदनशील है, अर्थात तापक्रम कम होने से भी ये इनएक्टिव हो जाएगा, तापक्रम बहुत ज़्यादा होने से भी ये मरने लगेगा। इसलिए इसका एक अस्थायी तापक्रम 28-30 डिग्री सेंटीग्रेड और जो आर्द्रता है वो 65-70% को हम लोग यहाँ कायम रखते हैं, तभी बहुत अच्छा से भंडारण होता है। भंडारण पूर्व की बहुत सारी सावधानियाँ हैं।
जो किसान आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है और उच्च तकनीक युक्त तसर बीजागार नहीं बना सकते, वे अपने गांव में मिट्टी की दीवार वाला बीजागार बना सकते हैं, जिसकी लंबाई 15 फीट और चौड़ाई 10 फीट रखें। इसमें 25,000 तसर बीज कोशा रख सकते हैं। कोशा भंडारण में इस बात पर विशेष ध्यान देना है कि बीजा कोश रोग मुक्त हो। सर्वप्रथम यह देखना आवश्यक है कि यह जो जंगली रेशम पालन है तसर, उसमें मूल रूप से हमको यह चाहिए कि बीमारी शुरुआत से ही न हो, अर्थात जो भी नाभिकीय कीट पालन से उत्पन्न कोषों को रखना चाहता है उसमें करीब 4-5 बिंदु है जो भंडारण पूर्व की सावधानियां हैं, इस पर आवश्यक रूप से ध्यान देना, प्रतिबद्धतापूर्ण ध्यान देना आवश्यक है। क्या कि आप स्रोत का चयन करें, अर्थात कोसा कहाँ से आ रहा है, वह एक बीमारी मुक्त जगह से है या नहीं। अगर आया है तो कोसा का पेब्रिन प्रतिशत का सैंपल परीक्षण करना आवश्यक है। वहाँ 1% हो बस उतना चल सकता है। अगर 100 कोसों में 1 में पेब्रिन निकले तो रख सकते हैं, यानी तो 0 हो तो अति उत्तम। ये अति आवश्यक है, क्योंकि अगर बीमारी यहाँ 1% निकला तो चूंकि 6-7 महीना जो ये रहता है भंडारण में, उस दौरान ये प्रगुणित होते होते 10-20% हो जाएगा और आपकी मॉर्टेलिटी मृत्यु दर कोसों का ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए इन सब चीज़ों का ध्यान अगर रख लें तो गांव वाले ग्रामीण के लिए तो सबसे अच्छा है मड वाल ग्रेनेज हाउस, जो हमारे तसर उद्योग केंद्र के द्वारा शुरुआती दौर में बृहत रूप से यह वितरित है और हर एक बुनियादी बीज प्रगुणन संस्थान जो है भारत में 27 उसमें मडवाल ग्रेनेज हाउस ही है। बाद में ये RCC ग्रेनेज हाउस इसलिए निर्माण किया गया क्योंकि अस्थायी रूप से ज़्यादा दिन तक चल पाए, लेकिन मडवाल ग्रेनेज हाउस तापक्रम एवं आर्द्रता के लिए बहुत ही उचित है और गांव ग्रामीण भाई छोटा सा 25,000 के कोसों को रखने के लिए 15 फीट और 10 फीट के अगर अपना रूम जो बनाए हुए हैं मिट्टी का जो ईटा से, उसमें बहुत अच्छा से रख सकते हैं 25,000 कोसों को। 1,00,000 बीजाकोश क्षमता वाले बीजागार में बीजाकोशों को सुरक्षित रखने के लिए विशेष तकनीक होती है। इसमें तसर बीज कोशों की माला की तरह लड़ी बनाकर रखा जाता है। इन लड़ियों को जमीन से 3-4 फीट ऊपर लटकाकर रखा जाता है। ये इसमें एक तरह का गणित को कायम रखना है। गणित ये कि जब आप लड़ी बनाएं तो 5 कोसों में धागा को घुमाकर 5 का 20 3-3, 4-4 इंच के दूरी पर रस्सी में बांधते हैं, तो 20-25 100, तो एक लड़ी में 100 हुआ, तो ऐसा ऐसा 100 ठो रखेंगे तो 100 × 100 10,000। तो ऐसा एक लाइन में बांस पर जो हम रखे हुए हैं यहाँ, एक लाइन में जो कि हम लोग बृहत स्तर पर व्यवसायिक जो बीजागार करते हैं उसमें 1,00,000 रखते हैं। इसमें ये जो 40, 30 और 15 का है, इसमें 1,00,000 रखते हैं। तो 10 लड़ी में 100 है, 100 × 100 10,000, 10,000 × 10 ठो ऐसा लड़ी तो हो गया 1,00,000। इस तरह से हम लोग एक गणित रखते हैं, क्योंकि हमको देखना है कि 1,00,000 में जब हमारा बीज उत्पादन होगा तो 1:5 मतलब 1:5 में आएगा, मतलब 20,000 हमको बीज रोग मुक्त चकता मिलेगा, और वो रोग मुक्त चकता एकदम विशुद्ध शुद्ध होना चाहिए, उसमें बीमारी नहीं होना चाहिए। इसीलिए ये वाला अति उत्तम बिंदु है कि एकदम उत्तम से उत्तम कोषों को रखें। इसमें गुणवत्ता का भी एक आधार बना हुआ है कि 12-14 ग्राम कोकून वेट का, जिसका सेल वेट 2 ग्राम और 2 से 2.7 ग्राम हो, उसी को रखना है, उससे कम को नहीं, और बीमारी शून्य। इसको टांगले के लिए हम लोग नीचे से 3-4 फीट ऊपर इसलिए रखते हैं कि इसका दुश्मन बहुत है, चूहा गिलहरी सांप वगैरह अगर घुस गया तो उसको खाएगा। साथ साथ एरेशन हवा का परिवहन होता रहे, एग्जॉस्ट फैन लगाई जाती है कि जितने 1,00,000 कोसे अपने सांस ले रहे हैं, क्योंकि जिंदा रहते हैं ये, तो उससे गर्मी जो है वो निकल कर बाहर चली जाए। एवं जैसे जैसे तापक्रम बढ़ता है फरवरी मार्च अप्रैल मई, तो उच्च तापक्रम पे ये कोसे जिंदा रहने के लिए दिक्कत है इनको, इसका तापक्रम को हमको 28 से 30 ज़्यादा 32-35 तक आप रख लीजिए,
35 डिग्री तक को ही सहन कर पाते हैं। उससे आगे बढ़ेगा तो कोसे के मोर्टिलिटी बढ़ जाएंगे, मतलब हमारा 1 लाख रखा हुआ है तो हो सकता है 10,000 से 20,000 से 30,000 मरने लगे। जो किसान गांव में बीजागार बनाए हैं, वे बढ़ते हुए तापमान के मौसम में बीजागार को ठंडा रखने का इंतजाम करें। इसके लिए मिट्टी की दीवार से दूरी रखते हुए बोरा लगाकर उसमें पानी भिगो सकते हैं, लेकिन ज्यादा नमी ना बढ़ने दें, वरना तितली बाहर निकल सकते हैं। मड वॉल ग्रेनेज हाउस इतना अच्छा एक तरीका है कि वो मिट्टी के कारण अगर उसमें पानी जो बोरा लगाकर छिड़कते हैं तो बहुत अच्छा से दूरी से एक तरह से तापक्रम को कम रखे रहता है। लेकिन आरसीसी में हम लोग क्या करते हैं, कूलर लगाते हैं, बाहर से हम लोग टाट लगाते हैं, बोरा का टाट लगाते हैं या चटाई का टाट लगाते हैं और उस पर पानी स्प्रे करते हैं, जिससे कि दूरी से, जिससे कि यहाँ भीतर का तापक्रम कम हो जाए। मतलब कभी भी पानी का स्प्रे एकदम नज़दीक से नहीं करेंगे, नहीं भीगना नहीं चाहिए, नहीं तो ऐसी स्थिति में अगर नमी बढ़ जाएगी तो तितली निकल जाएगा, क्योंकि तितली का बना हुआ स्थिति तदंतर बढ़ते रहता है। तो जैसे जैसे अगर ज़्यादा ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगा 70, 75, 80 जहाँ हुआ बस तितली निकलने का, इसलिए हमको मेंटेन करना है 65 से 70 के बीच ह्यूमिडिटी आर्द्रता को और तापक्रम को 28, 30 और 32, 33, उससे ज़्यादा नहीं। तस्सर बीज कोषों के सम्यक भंडारण में इतनी सावधानी जरूर रखें कि बीजाकोष 100% स्वस्थ हो। बीजाकोषों को सांप, चूहे, नेवले और कीड़े मकोड़े से बचाएं। बुनियादी तस्सर बीज कोषा सुरक्षित रहेगा तभी बेहतर व्यावसायिक लाभ होगा। तो ये थी हमारी आज की जानकारी। हमारी जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें हमारे इस पते पर लिख सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची, पिन संख्या है 834001। तो इसी तरह से हमारा कार्यक्रम देखते रहिए और कृषि के संबंध में कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है तो आप हमें जरूर लिख भेजिए, क्योंकि आपके खतों का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए कृषि दर्शन की पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।